जी दोस्तों, की हाल चाल है? अज आप पार्ट देखा फोर्थ। सो बड़ी वधिया मूवी आ, मैं ये कट भी नहीं कर सकता क्योंकि सारी मूवी का वो सवाद जहा खराब हो जाना। सो वे करके मैंने कॉपीराइट, हर एक पार्ट के उत्ते कॉपीराइट आ रहा। बट चलो एनी वे, मज़ा तो आ रहा मूवी देखने का, राइट? तो मैनू भी फील होंगे भी हर एक पार्ट तो बाद मेरा द वे ऑफ टॉक एंड सारा कुछ पहले से बेहतर हो रहा है, राइट? बिकॉज आई वॉज सो कैमरा शाह दिस एंड दैट, सो नाउ आई एम लिटल बिट ओके। बट आप प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में आप भी बताओ कि आप कौन सी वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो, और मेरी कौन कौन सी खामियां गलतियां हैं वो भी आप गिना सकते हो, तो मैं भी अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सकूं। तो प्लीज बी सपोर्टिव एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, लेट्स गो। प्यार से शादी कर लूं तो जीवन नर्क बन जाएगा मेरे लिए। जाएंगे।
शादी का अच्छे उसके हाथ हूँ, और एक दुल्हन तुम हो जिसे इस तरह ब्याह करना पड़ रहा है चोरी से। मगर माया, सब लोगों की सब इच्छाएं पूरी हो जाया करती तो ना तो ये भगवान का मंदिर होता, ना ही कोई आता मत्था टेकने। देखना जल्दी तुम्हारे घर वाले ये सब भूल जाएंगे और आशीर्वाद बरसाएंगे हम पर। सिगरेट जलाई घर में रूम में, वो सच में ऐसा इतना ही कॉमन है घरों में सिगरेट लगा लेना, तसल्ली से बात करते रहना, सच में ये कॉमन है कि जस्ट मूवीज में चलता है? 6-7 दिन से ज्यादा नहीं जिएगी। अपनी माँ की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे कुछ खुशी दे पाने के लिए ही मैं शादी के लिए राजी हुआ था। जिस वक्त माँ ने आपके माथे पर सिंदूर लगाया, मैंने उसकी आंखों में गहरा संतोष देखा था। 6 साल से माँ के चेहरे पर ऐसी खुशी नहीं देखी मैंने। जानता हूं अब देखूंगा भी नहीं। इन आखिरी दिनों में मेरी माँ को कोई दुख ना पहुंचे, इसलिए विनती करना चाहता हूं आपसे, इन कुछ दिनों के लिए इस घर में इस तरह रह जाइए जैसे आप ही इस घर की बहू हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके प्रेम को ढूंढ कर ले आऊंगा और इज्जत के साथ आपको उसके हवाले कर दूंगा। पापा, दादू तो कहते थे आज से नहीं मम्मी हमको संभालेंगी, फिर तुम क्यों नल्ला रहे हो? नहीं मम्मी के लिए ये घर बिल्कुल नया है ना बेटे, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि बाथरूम किधर है, साबुन किधर है, चंदा गुड़िया के कपड़े कहाँ रखे जाते हैं। जब वो ये सब जान जाएंगी तब वो तुम्हारा भी काम करने लगेंगे। तुम बेकार में नई मम्मी को परेशान मत करना। हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे माँ बड़ी बेचैनी से अपनी बहू का इंतजार कर रही होगी। बहू के नाते ना सही, इंसानियत के नाते अगर आप आखिरी सांसें गिनती मेरी माँ के पास कुछ देर के लिए चली जाएंगी तो मुझ पर एहसान होगा। ये क्या तरीका हुआ बेटे तुम्हारा, कल ही शादी की और आज सुबह सुबह अस्पताल चल दिए? वो बेचारी पराए घर से आई लड़की क्या सोचेगी? जाना जरूरी है बाबूजी, 2-3 ऑपरेशन हैं। मैंने शादी की है तो इसमें मरीजों का क्या कसूर है, उनकी जान क्यों खतरे में डालू? क्यों रे आनंद, 6 साल तक बराबर इनकार करता रहा और अब अचानक घर में बहू ले आया अपनी माँ की खातिर, क्योंकि मैं ज्यादा जीऊंगी नहीं है ना। पर ऐसा क्या किया है माँ?
बोल के कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा उसे, हमेशा खुश रखेगा, वादा कर मुझसे। हाँ माँ, मैं माया की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा, मैं वचन देता हूँ। हाँ सुना तो है, परसों रात को एक लड़का लड़की शादी करने यहाँ आया। हाँ मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ, वो लड़का कहाँ है आप बता सकते? पहले ही कहा ना कि मुझे कुछ मालूम नहीं। ओ किशन भैया, उस दिन यहाँ मारामारी हुई थी रात को। अरे वो तो कमाल हो गया था साहब, अपनी दुकान से दो फूल माला लिया था वो लोग, पंजाबी था साला कोई। अरे हिम्मत तो देखो उसका, अपने मोहल्ले की लड़की को पटा रहा था। क्या अपने मोहल्ले की लड़की को? अरे लोगों ने मार मार के वो हालत क्या की उसका, खोपड़ा ही खोल दिया। अपन तो चुपचाप उस दरवाजे के पीछे खड़ा देखता रहा। क्या आजकल आदमी को बीच में फोन नहीं मांगता? फिर हुआ क्या? अरे फिर हम तो फूट लिया साहब, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ना चाहेगा। घर पसंद आया बेटी? और मेरा बेटा, बातें की उसने तुम्हारे साथ? वो जरा अलग स्वभाव का है बेटी, ज्यादा बातें नहीं करता। तुम अपना जी छोटा मत करना, अच्छा? इस घर की मान मर्यादा, सुख शांति सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ बहू। जिस दिन मैं इस घर में बहू बन के आई थी, तब मेरी सास ने यही जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैं भी आज यही कर रही हूँ। हालांकि उम्र से तुम छोटी हो, मगर आज से तीन बच्चों का बोझ तुम पर डाल रही हूँ, बाप बेटा और पोती। इन तीनों के लिए माँ का हक अदा करना पड़ेगा तुम्हें। आनंद ने 6 साल तक सिर्फ इसी डर से शादी नहीं की कि शायद सौतेली माँ बच्ची का ध्यान ठीक से न रखे, मगर पहली ही नजर में मैंने तुम्हें जान लिया था कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। वादा करो बहू कि तुम चंदा को प्यार से रखोगी। मुझे भरोसा था कि तुम्हारा दिल मोम जैसा कोमल होगा, तुम्हारे आने से इस घर में खुशियां फिर लौट आएंगी। मम्मी पापा का फिर फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि मम्मी नाश्ता किया, तो मैंने बोला मम्मी नाश्ते को हाथ तक नहीं लगा, तो पापा बोले ओ आई सी, तो चंदा मम्मी से फिर के देने को नाश्ता कर ले। इतना सारा नाश्ता तो मैं नहीं खा सकती। ओहो, इसकी प्लेट तो मेरी है मम्मी, मैंने सोचा अगर मैं खा लूंगी तो तुम बिल्कुल नहीं खाओगी, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। मैं जिंदगी भर भूखी रहूंगी तो क्या तुम भी नहीं खाओगी? बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मगर मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है मम्मी। अच्छा आओ।
नहीं जागूंगा गुरु, बहुत गहरी नींद में हूँ। नींद में बोल रहा है? हाँ नींद में बोल रहा हूँ गुरु, छत पे निकल पड़ो। चलू ना। क्या कर रही है? छोड़ो हमारा, ये तो हम शोर मचाएंगे। क्या शोर मचाओगे? हमारी इज्जत खतरे में और हम शोर ना मचाएं? तो मचाओ ना शोर, किसे बुलाओगे? छोटू को। तुम इतनी रात को ऊपर क्यों आई हो अकेली? तो क्या नाना जी को साथ लेकर आती? लल्लू। लल्लू? तुम आधी रात को ये बताने आई हो कि हम लल्लू हैं? और नहीं तो क्या हो? अरे लड़के 100 बार मिन्नतें करते हैं, 500 बार नाक रगड़ते हैं, तब जाकर लड़की मिलने का वक्त देती है, वो भी इस तरह रात के वक्त अकेले। कोई आती है क्या? तो फिर तुम क्यों आई हो? पागल हूँ ना, तुम्हारे पल्ले जो पड़ गई हूँ। कोई दूसरा होता तो क्या करता? इस मौके का फायदा उठाता। चांदनी रात हो, ठंड हो, और दोनों अकेले में बैठकर हाथ में हाथ लेकर कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। करो मीठी मीठी बातें करो। परमेश्वरा देखो हनुमान जी के भक्त, मैं तो अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर ही चुकी हूँ, अब अगर पकड़े गए ना तो बेभाव की पड़ने वाली है। दूर बैठने से कुछ कम नहीं पड़ेगी और पास बैठने से कुछ ज्यादा नहीं, समझे? अब अस्सी की करें? अब अस्सी अपना सर 80 के गोद में रख के आराम करेंगे। नहीं, हम आपकी गोद में। देखो जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप करते जाओ, वरना मैं चिल्लाकर सबसे कह दूंगी कि तुम्ही ने मुझे यहाँ बुलाया है और अब जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाहते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब चुपचाप यहाँ लेट जाओ। ये मेरी गोद नहीं घुटना है। समझा रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? तुम्हें जुकाम हो जाएगा, चांदनी रात में ज्यादा देर जागने से ठंड भी लग सकती है। ठीक से बैठो ना। बोलो। मुझे पप्पी दो। क्या पप्पी? तो वैसे भी नाना जी तोड़ने ही वाले। पापा, तो वो पीछे भी नहीं है।
भगवान जाने कहाँ गुम हो गई। अरे वो बटन से थोड़ी जो गुम हो जाएगी, ठीक से ढूंढो, यही होगी कहीं। ये क्या कर रही हो? लेके भागे नहीं है,
दरअसल उनकी कुछ चीज मेरे पास आ गई है, मैं उनकी अमानत उन्हें लौटाना चाहता हूँ। आप जरा लिख लीजिए, प्रेम प्रताप पटियाले वाले 6/26 विष्णु का कटरा पुरानी बस्ती पटियाला। और 25 साल हो गए सानू मुंबई जाया, क्या दिखते थे उस वक्त, पता नहीं कितनों ने लाइन मारी होगी हम पर, मगर असी भी लंगोट के पक्के थे, आंख उठा के नहीं देखा किसी की तरफ, वरना आज ये गैरज होता, ये ट्रक होता और ये 6-6 टैक्सियां होती। लेकिन उस्ताद जी, तुम इधर आया पेट के वास्ते और अपना गुरुजी यहाँ पे आया प्यार के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते। जब से बम्बई में आया ना, तब से लैला मजनू का किस्सा चल रहा है। सुबह के टाइम में समोसे आ रहे हैं, रात के टाइम में समोसे वाली खुद चल के आ रही है ऊपर में, ये उनके हाथ में कंगन पहना रहे, गाना चल रहा है रोमांटिक। छोटू के बच्चे, तू ही तो लाया था समोसे, तूने ही तो गाना लिखवाया था इसकी तुन में, अब तू ही बड़ा होशियार बन रहा है, तू ही है सारे फसाद की जड़। छोड़ो, अपने काम की ओर ध्यान दो, मैं पूछता हूँ तुम काम क्या करते हो? संगीतकार है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम काम क्या करते हो? क्यों, फिल्मों में संगीत देना काम नहीं है? देख बच्चे, पहले अपने पेट की 2 रोटी का बंदोबस्त करो, उसके बाद संगीत का शौक करो, जाओ कहीं अच्छा सा काम धंधा ढूंढो। नर्स, मंगला, लक्ष्मी, नर्स, मंगला, लक्ष्मी, मंगला कहाँ गई? क्या बात है माँ जी, ये सब कहाँ चले गए? जरा नर्स को बुला दे बेटी। नर्स तो छुट्टी लेके बाहर गई है शायद, मुझे बताइए क्या। नहीं नहीं, मैं जरा कहिए ना, मुझे जरा बेड पैन मैं ही ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम रहने दो, तुम रहने दो। थैंक यू माया, थैंक यू वेरी मच। इस घर की असली बहू होती तो शायद वो भी इस काम से हिचकी जाती, लेकिन आप मिस्टर प्रेम बहुत ही खुशकिस्मत आदमी होंगे। चलो गुरु और जाओ शुरू, तुम वो बाजू ट्राई मारो, अपन ये बाजू ट्राई मारता है, देखता है किसकी किस्मत में नौकरी लिखा है। इधर में आ जाओ, ए फटाफट जाओ और दो चाय लेके आओ, आप उनका गुरु वाला है। ये लीजिए, अभी लाया।
आ जाओ गुरु। आज से हमें गुरु गुरु मत बोलना। शर्म आती हमें ये सोचकर कि इतने दिन हमारे साथ रहने के बाद भी तुमने ये सीखा चोरी करना, बेईमानी करना। हो गया ना तुम्हारा भाषण चालू। देखो गुरु, कोई आदमी अपनी माँ के पेट से चोर बन के नहीं निकलता। ये साली बेरहम दुनिया, बेरहम हालात यही चोर बना देती है मुझ जैसे शरीफ आदमी को। यही कायदा है दुनिया का, पहले बाल बड़ा करने का, फिर किसी भी मंदिर में जाके सफा चट कर देने का, पिछला सारा पाप खलास। ओए हाथ मल के ना, एक इस तरफ देंगे उस तरफ वकल टिकाने आ जाएगी। ठीक है गुरु, तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे अंदर काबिलियत है मगर सिर्फ धक्का खाने की। तू तो बिल्कुल घटिया आदमी निकला यार। अभी अपन का सरवन टारेला है, अभी थोड़ी देर के लिए तू तड़ांग बात नहीं करने का, इज्जत का कचरा हो जाता है। अभी तुम आप और पापा जी करके बात करो। क्या ये लीजिए गुरु को दो। गुरु गुरु गणेशी जी साहब, चंदा कहाँ है? वो तो बहू के कमरे में है साहब। चंदा 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 उठो बेटी, देखो पापा बुला रहे हैं। चलो बेटे अपने कमरे में चल के सो। मैं यही मम्मी के पास सोऊंगी। बेटे मम्मी को परेशानी होगी, चलो उठो अपने कमरे में चलो। मम्मी को परेशान नहीं होंगी पापा। क्यों मम्मी, आप भी इधर ही हमारे पास सो जाओ ना। बेकार की बकवास मत करो, फौरन उठो चलो मेरे साथ। हम नहीं जाएंगे। चंदा मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या कहा आपको सुनाई नहीं दिया? बदतमीज, जबान चलाना सीख लिया? चलो उठो, चलो कमरे में। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चुप जा करो मैं। चंदा चुप करो, चलो उठो। पापा मैं मम्मी के पास ही सोऊंगी। सुनिए मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो बच्ची पर निकालना जरूरी था। हाँ क्योंकि वो एक ऐसी चीज के लिए जिद कर रही थी जो मैं उसे नहीं दे सकता। अगर चंदा को माँ के प्यार की आदत पड़ गई तो मैं कल उसे कहाँ से ला कर दूंगा? जब आप यहाँ से चली जाएंगी फिर से तो शादी नहीं कर सकता। हमारे दिन ही खराब है छोटू, जो आज तुझसे भी बातें सुननी पड़ रही है हमें। अपनी तो लाइफ खराब कर दी ना तुमने गुरु, और अपना रोना रोने को बैठ गए। अरे अगर इतनी सी भी जवाबदारी नहीं ले सकते थे तो पहले ही बोलने का था। अपन उधर में क्या खाना खाने को गया और तुम इधर में ऐसा हारमोनियम बजाया कि सारा माल सफा चट हो गया और तुमको मालूम भी नहीं पड़ा। कमाल है। चोरी का सामान तो चोरी में जाएगा ना, और क्या होगा उसका? तू बोलता है कि तेरा सारा सामान चोरी हो गया ना, ये देख ये टोला तेरा चोरी हुआ। नहीं ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अपन कितना भी हाथ पैर मारेगा तब तलक ऊपर नहीं आएगा जब तलक तुम अपन के साथ है। इसका मतलब ये है छोटू कि तेरा और संगीत का एक गहरा नाता है, कभी ना टूटने वाला संबंध है, इसलिए तेरी टोलक चोरी नहीं हुई। हे भगवान, ईमानदारी के सौदे में कभी काटा नहीं होता छोटू। ये दुकान उकान भूल जाओ और चलो हमारे साथ, हम तुम्हें संगीत की जगमगाती दुनिया में ले चलेंगे। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? हमने कोई पाप नहीं किया छोटू, इसलिए आज नहीं तो कल संगीत की दुनिया में हम जरूर तहलका मचा देंगे। देखना प्रेम प्रताप पटियाले वाले का नाम बच्चे बच्चे की ज़बाँ पे होगा। नमस्ते पाजी, आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? मुझे सिर्फ आप ही का नाम नहीं छोटू का, छोटू का भी नाम मालूम है। मुझे आप लोगों की ही तलाश थी। आप उनने तुम्हारा भी कुछ चुराया क्या बाप? दरअसल बात यह है कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मालूम है आप वही संगीतकार हैं जिन्होंने किसी की धुन चुराने से इनकार किया था। मेरा नाम आनंद है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म का म्यूजिक दें। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं कार भिजवा के आपको बुला लेता हूँ। कोई ठिकाना होगा तभी तो पता बोलेगा ना, अभी तो फुटपाथ ही चपुन का ठिकाना है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके रहने का इंतजाम करता हूँ, आइए मेरे साथ। लिली मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। अगर कुछ जरूरी काम हो तो मुझे 5452 81 पे कॉन्टैक्ट।
साहब को ऐसी तुम्हें सुनाएंगे कि वो हर पिक्चर में हमें म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। अरे तुम घबराओ मत गुरु, अपू ने तुम्हारे साथ। तो कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनिएगा? कुछ भी, लव सॉन्ग। देखिए पाजी, ऐसे कैसे सुनाए हम कुछ भी, हमें मालूम होना चाहिए कि कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है। अच्छी बात है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को चाहते हैं और लड़की के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। वाह साहब वाह, आपकी पिक्चर सुपर हिट, क्या धासु स्टोरी बनाई है, पर्दे फट जाएंगे, लाठियां चल जाएंगी। चुप कर लूटे पट्टे, इस कहानी में कौन सी कमाल की बात है, है? मामूली कहानी है, यही तो होता है दूसरी फिल्म में। ये पूरी कहानी नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। शादी की पहली रात को ही हीरोइन जहर खा लेती है। आपका मतलब हीरोइन पहली रील में मर जाती है? नहीं, बचा ली जाती है क्योंकि उसका पति डॉक्टर है। जहर खाने की वजह पूछने पर हीरोइन सच सच बता देती है कि उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और वो किसी और से प्यार करती है। बाजी क्या हिम्मत है लड़की की। उसका पति हीरोइन को वचन देता है कि जैसे भी हो सके वो उसके प्रेमी को ढूंढ कर वापस लाएगा, धीरे धीरे और दोनों को फिर से मिला देगा। वाह कमाल है। वो पति इंसान नहीं देवता है। लेकिन इस डॉक्टर पति की भी एक समस्या है, उसकी मां बहुत बीमार है, आखिरी सांसें गिन रही है, इसलिए वो हीरोइन से ये दरख्वास्त करता है कि मेरी मरती मां की तसल्ली के लिए 6-7 दिन इस घर की बहू होने का नाटक कर ले। एक तरफ मां है जो सिर्फ 6-7 दिन की मेहमान है और दूसरी तरफ पत्नी जो अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन है। उन दोनों के बीच में वो पति, उस पर वो उसको धीरे धीरे समझा कर मिला कि इसको कोई गलत फहमी ना हो। ऐसा होता नहीं है कि अरे तू तो उसके घर पे रह के आई है ये वो, तो धीरे धीरे उसको बहाने से एक्सप्लेन कर रहा है पूरी सिचुएशन। क्या बात है यार, क्या मूवी, क्या गुजर रही होगी। तो फिर क्या होता है, अभी पूरी कहानी तय नहीं हुई है। ना बनेगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मैं आपको सुनाता जाऊंगा।